मेरा नाम रितिका समादार है और मैं मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली की चीफ डाइटिशियन हूँ। तो जनरली हम लोग के में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारा मेन मील है ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो बहुत ही हेल्दी होता है। हम सब रोटी दाल सब्जी खाते हैं, चावल खाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। एज इंडियंस हम कहाँ गलत जाते हैं, हमारा जो स्नैकिंग होता है, जो इन बिटवीन खाना होता है, उसमें हम जनरली गलत होते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम घर से बाहर हैं तो हम शायद समोसा कचौड़ियाँ खा रहे हैं या जलेबी खा रहे हैं, और अगर हम घर में भी होते हैं तो शायद बिस्किट और भुजिया खा रहे होते हैं। तो उस पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और हम ये नट्स जैसी चीज़ें, जैसे बादाम है, उसे अगर हम खाएं, तो ना सिर्फ ये बहुत हेल्दी है इन टर्म्स ऑफ कि इसको खाने से आपका हार्ट अच्छा रहता है, डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है, वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसे लेते हैं ये स्वादिष्ट भी बहुत आता है। एंड ऑफकोर्स इसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है, जैसे आपने डब्बे में रख दिया, निकाला और खा लिया। सो दैट वे इट इज़ वेरी वेरी ईजी। जैसे दोनों तरह से, तो अगर आप भिगो के खाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, बिकॉज देर आर सर्टन थ्योरीज जिसमें हम कहते हैं कि अगर आप भिगो के खाएं तो वो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है शरीर में, आपका इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको ज़्यादा मिलता है। बट अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी। अगर आप ऑन द गो हैं और अपने पॉकेट में रखते हैं, और जैसे लॉन्ग टाइम इन दी हॉस्पिटल रहें तो 11:30 बजे एकदम से भूख लगा, तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट कि आपको उठना भी नहीं पड़ा, अपने बैग से निकाला और खा लिया। মনরে কোহ ও ক্রোধ কাহাকু পচারিবে প্রশ্ন, কিয়ে দেব উত্তর, আপনার প্রশ্নর বেসালিশ মঞ্চ। প্রশ্নকাল সোমবার শুক্রবার রাতে 8:30। জয় জগন্নাথ। চকাখি সবু দেখুছি, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।